नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बड़ी खबर बांका से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर विषाक्त भोजन खाने से 24 बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ गए हैं। आपको बता दें कि ये 24 बच्चे जो हैं इनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। वहीं इनके परिजनों को जब इस बात की भनक लगी तो आनन फानन में वो अस्पताल पहुंचे। क्या है पूरा मामला दरअसल, वो भी हम आपको समझाते हैं। बिहार के बांका से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर विषाक्त भोजन खाने से 24 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए हैं। ये पूरा मामला दरअसल बौसी थाना क्षेत्र के पिलुआ गांव स्थित सुदामा विद्या निकेतन की है, जहां पर 24 से अधिक बच्चे विषाक्त भोजन खाने से बीमार हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, खबर है कि विद्यालय के बच्चों ने शाम को जैसे ही नाश्ता किया, एक के बाद एक लगातार बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। किसी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो किसी को गले में दर्द होने लगा। इसके बाद विद्यालय के शिक्षक बच्चों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां अब इन बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं बच्चे की हालत को खराब होता देख इन्हें ऑक्सीजन तक लगाना पड़ गया। सांस लेने में इन्हें तकलीफ होने के बाद डॉक्टर एक के बाद एक 14 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल रेफर किया, जिनमें 8 वर्षीय छात्र रोहिल कुमार, बंटी कुमार, डेजी कुमारी, अनुष्का रानी और 12 वर्षीय आदित्य कुमार, कुणाल कुमार और 9 वर्षीय दिलखुश कुमार सहित अन्य जो है वो शामिल है। शेष बच्चों का इलाज जो है बौसी रेफरल अस्पताल में देर रात तक चल रहा है। इसकी सूचना मिलते ही परिजन रेफरल अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर आर के सिंह ने इसे फूड प्वाइजनिंग होने की आशंका जताई है। अब अधिकांश बच्चे ठीक हैं और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुदामा विद्या निकेतन में करीब 200 बच्चे आवासीय रहकर पढ़ते हैं। इधर इस घटना को लेकर रेफरल अस्पताल में कुछ बच्चों ने बताया कि दोपहर में उन्हें चावल दाल सब्जी खाया था, शाम में चूड़ा मूढ़ी सब्जी खाया, खाते ही उनकी हालत जो है वो बिगड़ती चली गई। वहीं रात तक बच्चों के परिजन जो है उनमें कोहलाम मचा हुआ था। और आपको बता दें कि आधी जगहों पर पहुंचकर अपने बच्चों की हालत उन्होंने जाना। अस्पताल में जो है वो बच्चों के परिजन पहुंचे हैं। इधर स्कूल संचालक आनंद राज ने बताया कि बच्चों को खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल ला गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि बच्चों के खानों में जो है वो किसी तरह की लापरवाही बरतते जाने की का जो मामला है वो भी इसकी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अचानक बच्चे जब खाना खाए और उसके बाद उनकी तबीयत जो है वो अचानक बिगड़ने लगी। इसके बाद स्कूल के जो शिक्षक हैं उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले गए। तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि फूड प्वाइजनिंग जैसी समस्या जो है वो हो सकती है। फिलहाल स्कूल में जिस तरह से उन्होंने खाना खाया और अचानक तबीयत बिगड़ी, ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से जो है वो मिड डे मील में भी किसी तरह की लापरवाही बरतने की बातें जो है वो लगातार उजागर होती रही है। वहीं अब ये 24 बच्चे जो है वो अचानक बीमार पड़ गए, इन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। हालांकि कुछ की तबीयत जो है वो अब ठीक बताई जा रही है, तो वहीं कुछ का इलाज चल रहा है। ऐसे में आनन फानन में परिजन अस्पताल पहुँचे हैं, उनका हाल जाना है। तो वहीं आपको बता दें कि डॉक्टरों ने फिलहाल स्थिति को काबू में पाया है और उन्होंने कहा है कि फूड प्वाइजनिंग जैसी समस्या जो है वो हो सकती है। फिलहाल अभी कुछ भी कहना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। तो फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें NBC 24 पर।